ओके हेलो वेलकम बैक वंस अगेन इन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव एंडेड द टॉपिक ऑफ एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। तो लाइट इमिटिंग डायोड कैसा डायोड है? वो ऐसा डायोड है कि जो एनर्जी जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में। यानी जब भी आप इस पर्टिकुलर पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो ये पर्टिकुलर जब फॉरवर्ड बायस होगा तो एनर्जी जो जनरेट होगी वो कौन से फॉर्म में जनरेट होगी? इन द फॉर्म ऑफ लाइट के फॉर्म में जनरेट होगी। ये इसका सिंबल हम लोग ने कल देखे थे कि ये जो दो एरो मार्क इंडिकेट होता है डायोड के सिंबल के ऊपर, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर, तो ये दो एरो मार्क जो आपको इंडिकेट हो रहा है, इट इज इंडिकेटिंग द इमिशन ऑफ लाइट, यानी ये लाइट इमिट हो रही है यहाँ से। तो ये एलईडी का सिंबल है। फिर हम लोग ने कल कंस्ट्रक्शन देखे थे, तो कंस्ट्रक्शन में क्या चीज को अंडरस्टैंड किए थे कि जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसके बीच में कौन सा रीजन होता है? एक्टिव रीजन होता है, और ये एक्टिव रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? लाइट को इमिट करने के लिए। तो अलग अलग टाइप के मटेरियल यूज होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल आर यूज फॉर जनरेटिंग डिफरेंट कलर ऑफ एलईडी लाइट। तो अलग अलग एलईडी लाइट के कलर जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट मटेरियल यूज। तो ये जो कंस्ट्रक्शन था ये नॉर्मल कंस्ट्रक्शन था। दूसरा एक और कंस्ट्रक्शन एलईडी का देखे थे जो हमारे लैब वगैरह में यूज होता है, ये टाइप का एलईडी, दिस इज नोन एज कप टाइप एलईडी। कप टाइप एलईडी का कंस्ट्रक्शन है। इस पर्टिकुलर कप टाइप एलईडी के कंस्ट्रक्शन में क्या यूज होता है? ये ऊपर जो आपको दिख रहा है दैट इज रिफ्लेक्टिव ग्लास। तो दिस रिफ्लेक्टिव ग्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमिटिंग द लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली। तो एक ही डायरेक्शन में फोकस कराने के लिए लाइट को ये रिफ्लेक्टिव ग्लास का यूज होता है। इस ग्लास का यूज करने से लाइट जो है वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोकस होती है, इमिट होती है। तो ये चीज़ हम लोग ने अंडरस्टैंड किए थे। फिर वर्किंग हम लोग ने देखे थे, प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द एलईडी, एंड दिस इज द टेबल व्हिच इज इंडिकेटिंग व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज फॉर जनरेटिंग डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑफ एलईडी। तो अलग अलग कलर ऑफ एलईडी लाइट जनरेट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल यूज होते हैं, उसका एक टेबल है। इन द एंड वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ इंफ्रारेड एलईडी। तो इंफ्रारेड एलईडी के लिए कौन सा मटेरियल यूज करना पड़ता है? गैलियम आर्सेनाइड। तो अगर पीएन जंक्शन डायोड में पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल यूज करोगे तो जो लाइट इमिट होगी कंडक्शन में वो कौन सी लाइट इमिट होगी? इन्फ्रारेड इंफ्रारेड। यस, वेरी गुड। तो यहाँ तक चीज हम लोग ने कल लेक्चर में किए थे। नाउ टुडेज टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर इज फोटो डायोड। आज हम लोग एक लास्ट टाइप का डायोड स्टडी करने वाले हैं जिसके बारे में कल मैं आपको इंट्रो दिया था, फोटो डायोड के बारे में। नाउ व्हाट इज फोटो डायोड? अब फोटो डायोड का क्या प्रिंसिपल है, इसका सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ से ही क्लियर हो जाएगा। इट इज अ पीएन जंक्शन डायोड। ये भी पीएन जंक्शन डायोड है विच इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस मोड। अब ये जो डायोड है वो कौन से बायस में मोड होता है? रिवर्स बायस रिवर्स मोड। बायस में। और एक और क्वेश्चन, एक यहाँ पे क्वेश्चन करूंगा ऑल्सो, विच डायोड विच इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस मोड, कैन एनीबडी टेल मी? ज़ेनर डायोड। जेनर एंड फोटो डायोड। वेरी गुड, जेनर डायोड बी और ये फोटो डायोड। तो ये दो टाइप के डायोड जो है वो रिवर्स बायस मोड में यूज होंगे। तो ये जो फोटो डायोड है ये भी रिवर्स बायस मोड में यूज होता है, और इसमें क्या दिया हुआ है? विच प्रोड्यूसेस करंट डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट। यानी ये डायोड क्या करता है? करंट को प्रोड्यूस करता है किसके हिसाब से? डिपेंडिंग लाइट के अपॉन साथ द लाइट इंसिडेंट ऑन इट, यानी जो अमाउंट में इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी तो उतने के अमाउंट के हिसाब से ये क्या करेगा? करंट को प्रोड्यूस करेगा। तो ये ऐसा डायोड है कि जो क्या करता है, रिवर्स बायस मोड में ऑपरेट होता है और जो करंट को प्रोड्यूस करता है जो अमाउंट में इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी। सो द अमाउंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी इंसिडेंट ऑन इट, द मोर नंबर ऑफ करंट विल बी प्रोड्यूस बाय दिस पर्टिकुलर डायोड। तो ये एग्जैक्टली क्या हो गया? अपोजिट हो गया। किसके अपोजिट हो गया? एलईडी के। एलईडी क्या करता है? कंडक्शन होने में लाइट को एमिट करता है। फोटो डायोड क्या करता है? लाइट इंसिडेंट होने पर करंट को कंडक्ट करता है, करंट को प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों का पैर जो है ना, एलईडी और फोटो डायोड दोनों का पैर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तरफ से एलईडी लाइट इमिट करे, एक तरफ से फोटो डायोड उस लाइट को रिसीव करे और करंट कंडक्शन करे। तो ये दोनों का ड्यूअल जो है ऑपरेशन बहुत यूज होता है, और जिसको मैं आपको कल बता रहा था ऑप्टो कपलर करके नाम बता रहा था। तो ऑप्टो कपलर में एक तरफ एलईडी एक तरफ फोटो डायोड, एलईडी यहाँ से लाइट इमिट करेगा, फोटो डायोड वहां से लाइट पे पड़ेगी तो करंट कंडक्शन होगा। यानी एक तरफ ट्रांसमीटर में यूज होगा, एक तरफ रिसीवर की तरफ यूज होगा।
तो आगे चल के आपको सब मालूम पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जब आप लोग देखोगे प्रोजेक्ट्स वगैरह तो उसमें आपको चीजें सब समझ में आएगी, क्लियर होगा। नाउ दिस इज द सिंबल ऑफ फोटोडायोड। तो सिंबल ऑफ फोटोडायोड में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दो तरीके के सिंबल बनाए हुए। इन द फर्स्ट सिंबल विच इज वेरी सिमिलर टू योर एलईडी, जहाँ पे एलईडी में लाइट इमिट होती है तो बाहर की तरफ एरो मार्क होता है, और जहाँ फोटोडायोड में लाइट इंसिडेंट होती है, पड़ती है उसके ऊपर, तो इंसिडेंट होने के वैसा हिसाब से यहाँ पे एरो मार्क आपको क्या दिखेगा, डाउन करता हुआ दिखाई देगा। तो डाउन एरो मार्क मतलब ये क्या बता रहा है कि ये पर्टिकुलर डायोड में क्या होता है, लाइट इंसिडेंट की जाती है, पड़ती है इसके ऊपर, रिसीव होती है। तो जब लाइट इंसिडेंट होती है तो वो हिसाब से क्या करता है, करंट कंडक्शन करता है, करंट फ्लो करता है। तो इसके लिए दो एरो मार्क यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो नीचे की तरफ है, और जब दो एरो मार्क बाहर की तरफ रहेगा तो वो एलईडी का सिंबल रहेगा, और जब दो एरो मार्क अंदर की तरफ होगा तो वो किसका सिंबल होगा, फोटोडायोड का। तो एक ये नॉर्मल सा सिंबल है फोटोडायोड का, और दूसरा सिंबल भी है, दूसरा सिंबल में है यहाँ पे वो दो एरो मार्क के बदले में लैम्बड़ा करके दिया हुआ है, लैम्बड़ा वेवलेंथ, ठीक है। तो ये वेवलेंथ मतलब ये किस वजह से दिखाया हुआ है, मतलब वही लाइन के हिसाब से, लाइट के हिसाब से, तो जो अमाउंट में लाइट पड़ेगी वो हिसाब से कंडक्शन पड़ेगा। तो आइदर यू ड्रॉ द सिंबल ऑफ फोटोडायोड दिस, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द सिंबल ऑफ फोटोडायोड लाइक दिस ऑल्सो, बट विद इन द सर्कल, ये विद इन द सर्कल ऐसा बना के दिखाया हुआ है, ऊपर लैम्बड़ा है, लैम्बड़ा मीन्स वेवलेंथ, वेवलेंथ वाला कॉन्सेप्ट आप शायद फिजिक्स में पढ़े होंगे। सो दिस इज द लैम्बड़ा, तो लैम्बड़ा का सिंबल भी आप यूज कर सकते हो फोटोडायोड में। तो दो सिंबल क्लियर है सब लोग को, सिंबल ऑफ फोटोडायोड। यस सर। नाउ कमिंग टू वर्किंग प्रिंसिपल, नाउ व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटोडायोड, कैसा वर्क होता है, वो चीज को अभी अंडरस्टैंड करना है। जैसा कि आपको सबको पता है कि पहले ही स्टार्टिंग में सेंटेंस मैंने ये बताया कि जो फोटोडायोड है वो कौन से बायसिंग में ऑपरेट होता है, रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायस, यस वेरी गुड। तो ये ऊपर आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये नीचे आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और जब आपको रिवर्स बायस करना है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। पोलैरिटी चेंज होती है, पी नेगेटिव एन पॉजिटिव, तो ये होता है रिवर्स बायस। तो नॉर्मल वर्किंग आपको पता है, वेन एवर यू रिवर्स बायस द पीएन जंक्शन डायोड, तो विच लेयर एग्जिस्ट इन द नियर द जंक्शन, कौन सी लेयर एग्जिस्ट होती है, डिप्लीशन लेयर, यस डिप्लीशन लेयर। तो दिस इज द डिप्लीशन रीजन एग्जिस्ट बिटवीन द पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, दिस जंक्शन, पीएन जंक्शन के नियर बाय में कौन सा रीजन एग्जिस्ट होता है, डिप्लीशन रीजन। अब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव आयंस होता है, एक तरफ नेगेटिव आयंस होता है। नाउ अब क्या हो रहा है कि आप बाहर से एक्सटर्नली जब लाइट इंसिडेंट करोगे तो लाइट इज नथिंग बट फोटोन एनर्जी, आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता होगा, फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं फोटोन, तो फोटोन का जो कॉन्सेप्ट है वो लाइट से ही है। तो जब आप लाइट इंसिडेंट करोगे तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फोटोन एनर्जी, ये जो अंदर के मिडल के जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस थे वो आपस में क्या करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे। बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोटोन एनर्जी द रिकॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस विल टेक्स प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस, ड्यू टू दिस रिकॉम्बिनेशन द करंट कंडक्शन विल टेक्स प्लेस, द एनर्जी विल बिकम इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है किसका, आपका ये फोटोडायोड का। तो ये सेंटेंस वगैरह यहाँ पे वही चीज दिखाया हुआ आपको दिखाई देगा, व्हेन अ पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस द डिप्लीशन लेयर फॉर्म नियर द जंक्शन विच कंटेन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो जब आप पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस करते हो तो डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है नियर द जंक्शन विच कंटेन्स, जो क्या कंटेन्स करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कंटेन करता है। सेकेंड पॉइंट में आपको ये दिखाई देगा, व्हेन अ फोटोन एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन अ पीएन जंक्शन, जब आप फोटोन एनर्जी को इंसिडेंट करोगे पीएन जंक्शन में, देन इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकॉम्बिनेशन विल टेक्स प्लेस एंड दिस रिकॉम्बिनेशन विल प्रोड्यूस फोटो करंट। तो जो करंट जनरेट होगा, इसका नाम भी देखो क्या दिया हुआ है, फोटो करंट, बहुत इंपॉर्टेंट, फोटो करंट, यानी ये लाइट की वजह से करंट कंडक्शन हो रहा है, तो दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन फोटो करंट। तो जो लाइट की वजह से करंट कंडक्शन जनरेट हो रहा है, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन फोटो करंट। सो व्हेन अ फोटोन एनर्जी, जब फोटोन एनर्जी यानी लाइट इज इंसिडेंट होती है ऑन अ पीएन जंक्शन, द इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन विल टेक्स प्लेस एंड दिस रिकॉम्बिनेशन, और ये रिकॉम्बिनेशन जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का रिकॉम्बिनेशन दिख रहा है, will generate, will produce photocurrent.
नाउ दिस इज द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोडायोड, ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोडायोड है, और ध्यान से देखेंगे तो आपको ये ना रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक जो हमेशा ड्रॉ होता है वो कौन से क्वार्टर में ड्रॉ होता है, रिवर्स थर्ड क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टरेंट पे, फर्स्ट क्वार्टर में आपका फॉरवर्ड का होता है, थर्ड क्वार्टर में आपका रिवर्स फॉरवर्ड, यस। तो ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए आपको थर्ड क्वार्टर में डायरेक्टली डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। दिस इज वी एफ, दिस इज आई एफ, वी आर एंड आई आर। तो हमारा जो फोटो करंट जो है ना, वो करंट हमेशा कहाँ पे मिलेगा आपको, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक का, तो इस तरफ ही मिलेगा। तो रिवर्स के हिसाब से ये करंट जनरेट होता है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में प्लॉट किया हुआ है। तो ये रिवर्स वोल्टेज है वी आर, और ये रिवर्स करंट है आई आर। तो आई आर इज माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में करंट जनरेट होगा, विच इज वेरी वेरी लेस, एंड दिस इज रिवर्स वोल्टेज। अब क्या है इसके अंदर, ये चीज ध्यान से देखो, ये जो बीच में आपको करंट की जो वैल्यू मिल रही है, तो ये क्या हिसाब से मिल रही है उसका यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये जीरो एल एम, तो जीरो एल एम स्टैंड फॉर जीरो लुमिनेंस पर मीटर स्क्वायर, यानी ये लाइट के इंसिडेंट होने के हिसाब से करंट जनरेट होता है। आपको ये क्लियर है, फोटो डायोड में जो फोटो करंट जनरेट होगा वो हमेशा किसके हिसाब से होगा, जो अमाउंट में लाइट इंसिडेंट होगी, लाइट तो जितनी ज्यादा जितनी ज्यादा लाइट इंसिडेंट होगी उतने ज्यादा वैल्यू का करंट मिलेगा। तो अगर आपका जीरो लुमिनेंस पर मीटर स्क्वायर है तो ये करंट जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, 5000 लुमिनेंस पर मीटर स्क्वायर है तो देर विल बी इंक्रीज इन करंट वैल्यू। अब आपने और इंक्रीज कर दिया 10,000 लुमिनेंस पर मीटर स्क्वायर कर दिया, तो और ज्यादा करंट की वैल्यू मिलेगी। तो ये चीज आपको जो दिख रही है ये प्रोपोर्शनेट में दिख रही है, कि जो अमाउंट में आप ज्यादा लाइट इंसिडेंट करोगे वो अमाउंट में आपको उतना करंट भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। लेकिन एक चीज गौर करने की जरूरत है आपको, कि यहाँ पे जो सबसे पहला करंट की जो वैल्यू मैंने शो किया हूँ, ये इंडिकेट किया हूँ जीरो, जीरो से, और इसका कुछ नाम भी दिया है मैंने, जिसका मैंने नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को ये नाम, डार्क करंट। यस, डार्क करंट। सो व्हाई इट इज नोन एज डार्क करंट, बिकॉज व्हेन देयर इज नो लाइट इंसिडेंट, जब कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं होती है तभी भी थोड़ा निग्लिजिबल करंट फ्लो होता है, विच इज थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ये जो जीरो लुमिनेंस है ना, इसका मतलब ये है कि व्हेन देयर इज नो लाइट इंसिडेंट, कोई लाइट इंसिडेंट नहीं, कोई फोटोन एनर्जी इंसिडेंट नहीं हुई है, बट देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ माइनर करंट फ्लो फ्रॉम द डायोड, और जो माइनर करंट जो फ्लो हो रहा है उस करंट को बोला जाता है फोटो डायोड में डार्क करंट। इसके लिए उसको बोलते हैं डार्क करंट, यानी लाइट आपने इंसिडेंट नहीं किया, बट देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इसके लिए उसका नाम है डार्क करंट। और बाद में फिर आपने जब लाइट इंसिडेंट किए तो आपको अच्छे से उसके आगे का करंट का वैल्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो देयर इज सम माइनर निग्लिजिबल करंट फ्लोइंग थ्रू द फोटो डायोड When there is no light incident, जब कोई light incident नहीं होती है तो जो minor current आपको flow होता हुआ दिखता है उस minor current को बोलते हैं dark current बोलते हैं। बाद में आपने light incident किए तो depending upon light incident के हिसाब से अलग अलग current की value आपको मिलेगी। तो यहाँ पे वही चीज है। Sir, dark current leakage current जैसा है? Yes, very good. तो dark current जो है वो leakage current जैसा है, लेकिन यहाँ पे photo diode में in terms of photo diode इसको कहते हैं dark current, क्यों? क्योंकि जब कोई light नहीं incident हो रही तो current flow हो रहा है ना? फोटो डायोड में वर्किंग कैसा है, करंट कब फ्लो होगा, जब आप लाइट इंसिडेंट करोगे तो करंट फ्लो होगा। अब जब कोई करंट ही नहीं, जब कोई लाइट ही इंसिडेंट नहीं हो रही तो करंट कैसा मिल रहा है, तो वो जो लीकेज जैसा करंट मिल रहा है, इसलिए उसका नाम क्या दिया है इधर पे, डार्क करंट दिए, डार्क करंट, बिकॉज ऑफ नो लाइट दिस करंट इज फ्लोइंग, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन डार्क करंट, एंड विच इज एग्जैक्टली सिमिलर टू योर लीकेज करंट ओनली। जैसा आपने रिवर्स बायस में नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में पढ़े ना लीकेज करंट, तो वैसे ही है, लेकिन इसका यहाँ पे नाम क्या दिया हुआ है, डार्क करंट दिया हुआ है। क्यों इसका डार्क करंट नाम दिया हुआ है, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि विदाउट एनी लाइट इट इज फ्लोइंग, विदाउट एनी लाइट इट इज फ्लोइंग, सो दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन डार्क करंट। तो एक्सप्लेनेशन में आपको क्या दिखा हुआ है इधर पे, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी इंसिडेंट ऑन अ फोटो डायोड द अमाउंट ऑफ फोटो करंट विल प्रोड्यूस। तो जितनी अमाउंट में आप लाइट इंटेंसिटी इंसिडेंट करोगे फोटो डायोड में, तो उतने अमाउंट में आपको क्या मिलेगा, फोटो करंट मिलेगा। मोर द इंटेंसिटी मोर रिकॉम्बिनेशन विल टेक्स प्लेस एंड मोर करंट विल फ्लो। सिंपल है ना, जितना ज़्यादा आप इंटेंसिटी लाइट उसके ऊपर मारोगे भेजोगे तो उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा और उतना ज़्यादा फिर क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो ये बहुत क्रिस्टल क्लियर चीज़ है, ये
बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, फोटोडायोड का कॉन्सेप्ट क्या है, यस सर, प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इंटेंसिटी को इंसिडेंट करोगे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा और उतना ज्यादा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। डार्क करंट का भी देखो डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, डार्क करंट क्योंकि कभी कभी डिफाइन करने के लिए बोल देता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड विद फोटोडायोड, डार्क करंट। सो द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द फोटोडायोड व्हेन देयर इज नो लाइट इंसिडेंट अपॉन इट, क्लियर है ना। डार्क करंट कौन सा करंट है, वो करंट है जो फोटोडायोड से फ्लो होता है तब जब उसके ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट नहीं होती है। सो द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द फोटोडायोड व्हेन देयर इज नो लाइट इंसिडेंट अपॉन इट, इट इज कॉल्ड एज डार्क करंट। और ये किस वजह से होता है, इट इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से लीकेज करंट हम लोग ने नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ चुके थे, वैसे ही कॉन्सेप्ट इसमें भी है, इट इज ऑल्सो फ्लोइंग बिकॉज ऑफ थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो या वहां पे उसको लीकेज करंट बोलते हैं, यहाँ पे उसको फोटोडायोड में क्या बोलते हैं, उसको डार्क करंट बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फोटोडायोड आप देख लो, आप लोग एप्लीकेशन ऑफ फोटोडायोड कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है फोटोडायोड। तो फोटोडायोड जो यूज होता है, इट इज यूज इन ऑप्टिकल फाइबर रिसीवर। ऑप्टिकल फाइबर का पता है ना कॉन्सेप्ट आप लोग को, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर केबल, केबल के बारे में मालूम है आपको, ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में, ऑप्टिकल फाइबर में जो अपनी इंफॉर्मेशन फ्लो होती है वो कौन से फॉर्म में फ्लो होती है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट फोटॉन्स, यस वेरी गुड। तो जो लाइट की वजह से अपनी इंफॉर्मेशन फ्लो होती है ऑप्टिकल फाइबर में, तो ये जो फोटोडायोड है ये ऑप्टिकल फाइबर रिसीवर में यूज होता है लाइट को रिसीव करने के लिए। हम लोगों को मालूम पड़ना चाहिए ना कि लाइट कब रिसीव हो रही है, तो फोटोडायोड का काम वही है, जब अमाउंट में लाइट इंसिडेंट हो रही है तो कन्वर्ट करेगा, तो ऑप्टिकल फाइबर रिसीवर में यूज होता है। तो इट इज यूज इन ऑप्टिकल फाइबर रिसीवर फोटोडायोड इन द ऑब्जेक्ट काउंटिंग सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्ट काउंटिंग सिस्टम। तो ये ऑब्जेक्ट काउंटिंग सिस्टम कैसा बनेगा मालूम है ना आप लोग को, एक तरफ हम लोग को क्या करना है, एक तरफ हम लोग को लाइट इमिट करने वाला ऑब्जेक्ट रखना है, कंपोनेंट रखना है, और एक तरफ हम लोग को फोटोडायोड रखना है, यानी जब जब लाइट पड़ती रहेगी उसके ऊपर तब तक का वो रिसीव करता रहेगा। और बीच में से आप क्या करो, अपने ऑब्जेक्ट अगर फॉर एग्जाम्पल बॉटल, बॉटल काउंटिंग सिस्टम है या कोई भी काउंटिंग सिस्टम है, तो जब जब रुकावट आएगी तो वो काउंट करते जाएगा विदाउट ऑब्स्टिकल। डायरेक्टली इसमें क्या होगी, लाइट पड़ेगी तो करंट कंडक्शन करेगा, जब इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी तो करंट कंडक्शन नहीं होगा। तो इन दिस वे ये सब ऑब्जेक्ट काउंटिंग सिस्टम में यूज होता है। कल जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था ना ऑप्टो कपलर, तो ऑप्टो कपलर में क्या होता है, एक तरफ आप एलईडी को रख दो, एक तरफ आप इधर पे फोटोडायोड को रख दो, और बीच में से अपने ऑब्जेक्ट को पास होने दो। तो जब जब ऑब्जेक्ट सामने पड़ेगा तो लाइट क्या होगी, फोटोडायोड पे नहीं पड़ेगी, ऑब्स्टिकल बनेगा। और जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो लाइट डायरेक्टली कहाँ पे पड़ेगी, फोटोडायोड पे पड़ेगी और रिसीव करके बताएगा। तो इस तरीके से सब कॉन्सेप्ट है ना अपने प्रोजेक्ट वगैरह में यूज होता है सब चीज। तो ये एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन जो आपको दिखता है ना, इन द ऑब्जेक्ट काउंटिंग सिस्टम। तो ऑब्जेक्ट काउंटिंग सिस्टम जैसे बॉटल काउंटिंग सिस्टम या बॉटल फिलिंग सिस्टम, कितनी बॉटल फिल कर लिए काउंट करने के लिए, मालूम करने के लिए कितने ऑब्जेक्ट अभी तक पास हो गए काउंट करने के लिए। तो ये सब सारा एप्लीकेशन वगैरह ऐसा यूज होता है। इन सीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर में भी इन द फॉर्म ऑफ लाइट के फॉर्म में, जो डिस्क के फॉर्म में होता है वहाँ पर रिसीव करने के लिए। तो फोटो डायोड का आपको मतलब बहुत जगह एप्लीकेशन मिलेगा, जब इसका वर्किंग ही क्या है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो काम करेगा, तो बहुत जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो। इन द कैमरास फॉर सेंसिंग द लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी को सेंस वगैरह करने के लिए, तो जो अमाउंट में लाइट पड़ेगी वो अमाउंट में करंट कंडक्शन होगा, ज्यादा लाइट पड़ेगी तो ज्यादा करंट कंडक्शन होगा। यस बोलिए, लेजर माउस को भी बोल सकते हैं फोटो डायोड, लेजर क्या बोल रहे थे आप, लेजर माउस, आवाज क्लियर नहीं आया तुम्हारी अमजद, जरा अच्छे से आवाज जरा सही से बताओगे तो मुझे कुछ सुनने में आएगा। ओके मुझे अब बराबर से तुम्हारी सुनने में आवाज नहीं आई, सिर्फ सर सुनने में आया, उसके बाद का कुछ सुनने में नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ सर लेजर माउस, लेजर माउस, हाँ वेरी गुड, लेजर माउस भी है सेंसिंग करने के लिए, तो वही तो दिया ना, इन द कैमरा सेंसिंग द लाइट इंटेंसिटी। तो जहां जहां पे लाइट का सेंस वाला मामला आएगा तो वहां वहां पे आपको फोटोडायोड का यूज मिलेगा, एप्लीकेशन मिलेगा।
वेरी गुड, लेजर माउस भी इसका एग्जांपल है फोटो डायोड का सेंस करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, फोटो डायोड का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग ने अभी तक टोटल कितने टाइप के डायोड पढ़ लिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ डायोड टिल नाउ वी हैव स्टडीड? थ्री टाइप्स, थ्री टाइप और फोर टाइप, थ्री टाइप्स। वाई नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड पढ़े, फिर जेनर डायोड पढ़े, फिर एलईडी पढ़े, फिर फोटो डायोड पढ़े, टोटल कितने हो गए? अच्छा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, फोर टाइप्स, फोर टाइप। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड पढ़े हैं, फिर उसके बाद जेनर डायोड पढ़े, फिर उसके बाद एलईडी पढ़े, और आज का टॉपिक में हम लोग ने एंड किया फोटो डायोड। तो ये टोटल, हाँ ये टोटल आपके चार टाइप के डायोड्स पूरे ये चैप्टर में सेमीकंडक्टर डायोड्स में दिए हुए थे। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर का पूरा कंटेंट था। तो इन द एंड आई एम गोइंग टू शो यू द कंपैरिजन बिटवीन ऑल द फोर टाइप्स ऑफ डायोड। तो मैं चारों टाइप के डायोड में अलग अलग पार्ट में आपको कंपैरिजन दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ आपने चार टाइप के डायोड पढ़ लिए तो कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला कंपैरिजन दिया हुआ है पीएन जंक्शन डायोड एंड जेनर डायोड में। तो पहले अपन ने जो दो टाइप के डायोड पढ़े थे वो कौन सा पढ़े थे? पीएन जंक्शन डायोड और जेनर डायोड पढ़े थे। तो पीएन जंक्शन डायोड का सबसे, हाँ पीएन जंक्शन डायोड का सबसे पहला सिंबल के बाजू में किसका सिंबल? जेनर डायोड का। फिर दूसरा आप कंपैरिजन में क्या शो कर सकते हो, ये कौन से बायस में ऑपरेट होता है? तो पीएन जंक्शन कौन से में अपन यूज करते हैं उसको? नॉर्मली फॉरवर्ड बायस मोड में, क्योंकि रिवर्स बायस मोड में तो उसको ऑपरेट नहीं करेगा। फॉरवर्ड बायस, हाँ, तो ये फॉरवर्ड बायस मोड में ऑपरेट होता है। और जेनर डायोड को स्पेशली किस लिए यूज करते हैं हम लोग, कौन से मोड में ऑपरेट करने के लिए? रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में। तो इट इज ऑपरेटिंग रिवर्स बायस। इसका एप्लीकेशन, वेरी गुड, इसका एप्लीकेशन इट इज यूज इन रेक्टिफायर, क्लिपर, क्लैंपर सर्किट। ये कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज लिमिटर। फिर आप कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ कर दो, ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक पीएन जंक्शन का है, ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक आपका जेनर डायोड का है। तो जो चार पॉइंट आपको आसान आसान मालूम है, यू कैन इजीली कंपेयर, ऑलवेज कंपेयर कर सकते हो कोई भी दो डायोड के बीच में। आप कंपेरिजन बिटवीन पीएन जंक्शन डायोड एंड एलईडी का करना है तो सबसे पहला वही सिंबल ड्रॉ कर दो। सिंबल तो सबका ही अलग है, चारों डायोड का सिंबल सबका अलग अलग है। पीएन जंक्शन का डायोड हो गया, ये एलईडी का डायोड हो, एलईडी का सिंबल हो गया, पीएन जंक्शन का सिंबल, एलईडी का सिंबल। अब पीएन जंक्शन में मटेरियल कौन सा यूज होता है? तो पीएन जंक्शन में तो नॉर्मल सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होगा, या तो सिलिकॉन यूज होगा या तो जर्मेनियम यूज होगा। पीएन जंक्शन डायोड में नॉर्मल सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होगा, और वो जो दो टाइप के सेमीकंडक्टर हम लोग ने स्टडी किए, या तो एक सिलिकॉन होगा या तो क्या होगा दूसरा जर्मेनियम। और एलईडी में अलग अलग मटेरियल यूज होते हैं, गैलियम आर्सेनाइड होता है, फॉस्फाइड होता है, इंडियम नाइट्रेट होता है। तो ये मटेरियल आप दिखा सकते हो। पीएन जंक्शन डायोड में लाइट इमिट होती है? नहीं होती है, तो इट कैन नॉट इमिट लाइट। एलईडी में लाइट इमिट होती है तो इट कैन इमिट लाइट। फिर लास्ट आप एप्लीकेशन दे दो। पीएन जंक्शन कहाँ पे यूज होता है? रेक्टिफायर, क्लिपर, क्लैंपर, ये सब आगे के चैप्टर्स के नाम है, वहाँ पे डायोड का यूज होता है, हम लोग पढ़ेंगे तब। और इसका कहाँ पे यूज दिखा सकते हो आप, जो हम लोग ने पढ़ चुके? इट इज यूज इन सर्किट इंडिकेशन, इट इज यूज इन 7-segment डिस्प्ले, ऑप्टो कपलर। तो ये सारे एप्लीकेशन का एक पॉइंट आपका बन सकता है कंपैरिजन का। लास्ट कंपैरिजन किसका करेंगे हम लोग अब? एलईडी फोटो डायोड। एलईडी का सिंबल हो गया, ये फोटो डायोड का सिंबल हो गया। एलईडी के सिंबल में हमेशा याद रखना एरो मार्क बाहर की तरफ जाती है, और फोटो डायोड में एरो मार्क हमेशा इनसाइड आती है, क्योंकि लाइट इंसिडेंट इसके ऊपर होती है। और ये कौन से मोड में ऑपरेट होता है? एलईडी फॉरवर्ड बायस मोड में। फोटो डायोड कौन से मोड में ऑपरेट होता है? इट इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस मोड, रिवर्स बायस, यस। मटेरियल कौन सा यूज होगा एलईडी में? गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। फोटो डायोड में तो नॉर्मल मटेरियल ही यूज होगा, सिलिकॉन, सिलिकॉन यानी तो जर्मेनियम। फोटो डायोड क्योंकि नॉर्मल पीएन जंक्शन ही डायोड है, उसमें कुछ मटेरियल का यूज नहीं है, नॉर्मली है, खाली रिवर्स बायस में बोर्ड कर रहे हैं तो उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करेंगे तो वो करंट कंडक्शन करता है। फोर्थ, इट इज यूज इन 7-segment ऑप्टो कपलर, इट इज यूज इन ऑप्टिकल फाइबर रिसीवर, ऑब्जेक्ट काउंटिंग सिस्टम। तो ये सारी चीज जो हम लोग ने पढ़े विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक्स, वी आर एंडिंग अवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेमी कंडक्टर डायोड। तो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी हैव गॉन थ्रू ऑल द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स विद देयर सिंबल्स, विद देयर characteristics, with their working principle, with their application, and in the end also we have compared all the types of diode.
मेरे ख्याल से आई होप आप लोग को जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा वो जरूर समझ में आया होगा, आप लोग को बात पहुंची होगी। यस सर। मैं इसके बाद ये चैप्टर के बाद आपको असाइनमेंट दूंगा। मेरे को एक क्वेश्चन आया था कि सर जो नोट्स आपने शेयर किए क्या उसको लिखना भी है, तो वो नोट्स को तो नहीं लिखना है, लेकिन मैं ज़रूर आप लोग को गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट दूंगा, तो आप असाइनमेंट ज़रूर आप लोग उसको अपने पेजेस पर लिख के उसका फोटो पिक अपलोड करो, ठीक है। सो इन द गूगल क्लासरूम रिलेटेड विद द फर्स्ट चैप्टर आई एम गोइंग टू गिव यू असाइनमेंट नंबर वन विच इज़ रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन ओनली। सारे टाइप के डाउट्स रिलेटेड क्वेश्चन ही रहेंगे और मैं नोट्स वगैरह सब अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग तो चाहे तो उसको पढ़ के खुद से करो या फिर आपको देख के करना है तो देख के करो, लेकिन आई विल गिव असाइनमेंट रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।